Assalamualaikum, कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे, होंगे आप सब लोग खैरियत होंगे भाई। आज है जुम्मा और रियाज भाई अपने रूटीन के मुताबिक अभी हुए घर, तो आज सुबह बैंकों के पास मुझे आना पड़ा और इन्हें मैं देखूंगा। तो जैसे मैं अभी आया हूँ और साथ अपने परिंदों के खाने के लिए भी लाया हूँ। अभी चलते हैं अपने बर्ड्स के पास। सुबह सुबह कुछ इस तरह का सीन होता है जब सूरज आ रहा होता है। अभी तो यहाँ पर धूप है, ये बल्कि धूप नहीं है इसे कहेंगे, बल्कि अच्छा है परिंदों के ऊपर आना चाहिए हमारे बर्ड। ये मैं सेब लाया हूँ कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मेरे बर्ड खा लेंगे ये हमारे पिजन। सबसे पहले तो भाई इन्हें ही देखते हैं कि इनका जो बेबी है वो कैसे और ये खुद कैसे है, क्योंकि आज इनकी फर्स्ट नाइट थी हमारे पास। बच्चा भी जिंदा और मैंने फीड भी करवाई है बच्चे को, यानी मछली भी पाल रहे हैं। रात को मैंने बाजरे भी पड़े रहने दिए थे इनके पास और पानी भी, कहिए ना इन्होंने सुबह सुबह फीड करानी और मैं आने में देर हो जाए मुझे। टाइम को खोलना है हमने, इनका दरवाज़ा खोल देते आगे बस बाहर आ दे। इनको अभी बंद ही रहने देना, इनका बाजरा पानी जो है अंदर ही लगा देंगे, क्योंकि इनको खोलना अपने आप को जाम में डालने के बराबर है। फिर डस्क को भी खोल देते, ये भी बाहर आ जाएंगे। इनका कोई मसला नहीं है, ना रैबिट का और ना ही डक्स का। इन्हें बाजरा पानी वगैरह कर लूँ, इनका पानी वगैरह रख लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं अकेला जाना और मैं काम भी करूँ और आपको दिखाऊँगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पहले मैं काम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। सेब को देख के खरगोश ने बाहर आ रही है, सेब को देखने के लिए कुछ कल वाला पड़ा हुआ वो खा रही है। भूख जाने के लिए लग रही है, क्योंकि रात के टाइम में कुछ भी नहीं रखता ना, इस वजह से काम देखे थे। छापर में ही हमला बोल दिया, मैं अंदर आई हूँ दरवाज़ा खोल के और छापर में ही घुस गई हूँ। अब ये भी बन जा रही है, ये भी आ गई, ये उन्हें तंग करेंगे जाकर। पड़ा ये बाजरा रखना, ताकि बाजरा खाएं अपना, इसके बाद पानी रखना है यहाँ पर इस बाउल में। सुबह सुबह कैसे खेल रही हैं, भाग रही हैं, कूद रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी इनके लिए पानी रखूँगा, वो अंदर से क्यों ना खोल, बेचैन हो रही है, हमने भी बाहर आना। तो भाई छोड़ो, बगैर छापर के देख सकते हैं, छापर में शुरू हो गए। अब खाओ, क्योंकि जो बड़े वाले हैं ना इनके मैं छोटे छोटे पीसेस करके डालूँ। अच्छा मेरा पानी रखे, देखें पानी पीने कैसे आइए, छोटे छोटे पीस करके इन्हें भी दिए, ताकि जब तक रियाज भाई आते हैं ना कुछ नहीं डालते, तो ये भी खा लें। इनके बीच में मैंने फेंक दी, तो ये भी खा लेंगे। अभी इन सबको दे दी, देख रहे हैं कपड़े में ये सेब की हमारी वायलेट की फीमेल, इसका भी मैंने सेब दिए ताकि ये भी खुश हो, मज़े करे। हमारे रैबिट्स के, हमारे क्यों ना खोल के ये हम उनको देंगे बाहर बाहर। साबा कुछ इधर डाल देंगे और कुछ इधर, ये भी सेब खा रही है। डक ये भी सब पड़ गई हैं दोनों, वो खा गए, हर चीज शौक से खाती हैं। वो गए डक के केज में, गए कभी अपने केज में, कभी डक के केज में। ये पूरा दिन यूं ही उछलते फिरते रहते हैं, कितने अच्छे लगते हैं मैं उछलते हुए। पीस इन्हें डाल देते हैं, ये भी खा लेंगे, ये भी शौक से खाएंगी। बाहर बाहर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर। शाबाश गए। तो भाई जो बाहर का इन्होंने हाल किया हुआ गंदगी का, वही हाल इन्होंने यहाँ कर देना। हालांकि यहाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ रियाज भाई कितनी सफाई रखते हैं, इतनी तो मैं भी नहीं रखता था। बिल्कुल सफाई है, डिशे साफ सुथरी रखते हैं 24 घंटे, हर रोज ना डिशे साफ करते हैं। और बाहर से भी ऐसे ही रखते थे, लेकिन बस भाई अब ये हैं जब से तो गंदी गंदी होता है। बल्कि मैं क्यों ना फोर को बातों में खाना देना भूल गया, इसको भी देता हूँ, ये भी इंतज़ार करी, इसको पानी इसमें देना है। मैं यहाँ पर इस तरह लगा देता हूँ ताकि भैया आराम से पीले ना गिरा। प्यासी होती है ना पूरी रात, पानी नहीं पड़ा होता, आगे पीने भी लग गई पानी। इसी में मैंने इन बर्ड्स का बाजरा रखा हुआ इनका, अभी ये क्यों ना फोर के लिए डाले हुए, क्यों ना फोर को देखते हैं। भाई हटो, पीछे हटो, और ये गिराना नहीं, बाजू का सारे गिरा देते हैं ये। लोगों मैंने खाना पानी कर लिया, सारे अपने अपना बाजरा पानी खा रहे हैं यहाँ पर। क्यों ना फोल भी अपना बाजरा पानी खा रही हैं, सेब जो मैंने डाला है वो खा रही हैं, यानी कि सारों का काम हो गया, बस सबको पानी बाजरा कर लिए। और ये हमारे
कबूतर ही अपने कामों में लगे हैं, देखे कैसे खेल रहे हैं, दूसरे को तंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। अपना काम कर लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पढ़ के। मैं अभी आया हूँ, देखे बारिश शुरू होगी, मैं फौरन रियाज भाई को कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। बारिश आ रही है परिंदे, तो ठीक है ना यार, वो छत डालनी थी हमारी, छत ही ना भीग जाए यार, वो जो हमने ये खुडे बनाए थे तो इनके मुर्गियों वगैरह के। बारिश आ रही है, हमारे खरगोश यहाँ भिज के बैठ गए, खैर इनको तो टेंशन नहीं है कोई, इनकी है यार इसकी असल। देखे ना यहाँ पे अब ये तो सारी मट्टी उड़ उड़ के या फिर सारी भीग के इस तरह नीचे आएगी। नर्सरी जाते हैं क्योंकि नर्सरी से ही हमें पता मट्टी मिलेगी, इसके अलावा तो कहीं और का पता नहीं है, तो वहीं से ही एक कट्टू ले आते हैं मट्टी का। नर्सरी आए हैं और यहाँ पे है मट्टी। अब रिया उससे बात की थी मैंने कॉल करके, उससे मुस्तफ़ा भाई से जो जिसकी नर्सरी है, कि भाई हमें मट्टी चाहिए। उसने कहा ले जो आके, बड़ो रियाज भाई ये गमला उठा लो, गमले के साथ मट्टी भर लो, लेके आए हैं हम। पहले तो अकेला मैं यहाँ पे जितनी भी है ना मट्टी डाल लूँगा, फिर जो ऊपर का जो काम होगा ना, जो सीमेंट से बनानी है छत, वो बना लेगा धोबी। अभी रियाज भाई मट्टी लेके आ रहे हैं और मैं इस तरह ऊपर डालता रहूँगा यहाँ पर। देखिए मट्टी लेके आ रहे हैं रियाज भाई, ठीक हो ना, तबीयत तो नहीं खराब हो रही, पता चला उस दिन की तरह उल्टी हकर करके मुझे डरा दो, ऊपर डाल दो आप, सिर्फ एक जगह डाल दो, मैं सीधा खुद कर लूँगा। तो रियाज भाई ने देखें इस तरह बना लिए ऊपर, हमने मट्टी डाल के इसके ऊपर पानी वगैरह डाल दिया ताकि जिस तरह हवा आती है तो ये ना हमारे सारी मट्टी उड़ के रियाज भाई के कमरे में जाए। फिलहाल तो अभी हमने इतना किया, अभी को अब कह देंगे भाई आ जाओ, अब आपका काम है, क्योंकि हमने तो कर दिया जो हमारे जिम्मे था कि भाई मट्टी ला के इसके ऊपर डालनी थी। दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, वो धोबी नहीं आ रहा था। धोबी साहब हमारे लिए एक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जिसने आज हमें टाइम दिया, आज आया इतने दिनों के बाद, और अब आया। धोबी साहब जरा प्राइम मिनिस्टर ना बना करें हमारे लिए, जल्दी आ जाया करें, इधर देखे ना जरा ना, आप प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान का एक ही प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए काफ़ी है। अभी ये बना रहा छत, इसके ऊपर हम प्लास्टर वगैरह करवाएंगे। अभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए थे, ये धोबी और भाई रियाज ने देखो काम फुल खींच दिया है सारी, यानी ये काम कर दिया अपना। ये धोबी उतरेगी तो नहीं, मुझे तो लग रहा है इसमें ज़्यादा रेत है या नहीं, ऐसा लग रहा है, सही है। मतलब घरों को हमने सबको बंद किया हुआ ताकि ये पाँव में ना आए। यहाँ से हम काम कर रहे हैं, बच्चे भी देखे दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह से, मेल फीमेल फीड करवा रही है इसको, काम कर दिया जा रहा है। धोबी अगर तो ये खराब हो गया उस दिन समझ ली तेरा कफन तैयार होगा फिर, ठीक है ना यार। धोबी से यही मजाक करते हैं, हमारा भाई है छोटा, ओ बड़ा, छोटा नहीं बड़ा भाई है, तो उसे यही मजाक करते हैं जिस तरह हम रियाज भाई से करते हैं। रियाज भाई सफाई कर रहे हैं सारे परिंदे अपना खाने के लिए, खरगोश को हम निकाले भाई, अपना खाना खा रहे हैं, फूल अपना खाना खा रही है, वहाँ कबूतर अपना खाना खा रहे हैं, सारा पानी में जा रही है मट्टी यार, उस तरफ कर लो मट्टी को, चले पानी में जा रहे हैं, सारे मुंह के अंदर आ रही है मट्टी, देख रहे हो किस तरह उड़ रही है, अंदर जा रहा है, अंदर सुकून से बैठी हुई है क्योंकि बंद है, अगर ये हो बाहर तो फिर पता चलता है भाई कोई चीज है भाई। यार मट्टी देखना रियाज भाई किस तरह उड़ रही है यार। थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। एट द लास्ट में आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह ये मेरे आप पीछे पिंजरे देख रहे हैं, ये पिंजरे फॉर सेल हैं, अगर किसी को भी ये पिंजरे चाहिए हो, 4, 3 और 2.5 का खाना है, ये 4, 3, 2.5 का खाना है, रा रिंगनेक पहाड़ी हर किसी के लिए, सब के लिए ये अच्छा है ये पिंजरे, जिसमें ये फुल ब्रीड करेंगे परिंदे, तो अगर किसी को भी चाहिए हो तो आप मेरे पास ये नंबर देख रहे हैं नीचे, रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।